हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडियंट जोन में। और मैं आपका दोस्त, होस्ट और साथी राहुल सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूँ रिजनी के एक नए सेशन के साथ। और हमने जो पिछले सेशन में पढ़ा था दोस्तों, वो पढ़ा था किसके बारे में, नंबर सीरीज के बारे में। तो आज हम वहीं से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, वहीं से आगे। और ज़्यादा मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ, क्वेश्चनों को लेके आया हूँ और थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा के क्वेश्चनों को लेके आया हूँ, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आप लर्निंग मोड पे आ जाएं, कॉपी पेन लेके आप भी बैठ जाएं और साथ में मेरे सॉल्व करेंगे आप भी। और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं आप सब और कैसी चल रही है ज़िंदगी, इसको भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। और सेशन आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और क्यों इम्पोर्टेंट रहने वाला है उसके लिए भी मैं अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि आज जो मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नंबर सीरीज से रिलेटेड। और आप खुद इसको समझेंगे कि भैया हाँ ये सही है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर भी कर दें आप फेसबुक, व्हाट्सअप और इंस्टा पे। तो चलिए आज का सेशन हम क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। आज का सेशन स्टार्ट हो चुका है और पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि आपको यहाँ पे लिख दिया 10, 15, 45 and 270 and 3240, ठीक है। और आपको ऑप्शन दे दिया ए 777-60, बी 777-250, सी 75260 एंड सी डी इज 85280, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको क्या दे दिया है, क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। क्या दे दिया है दोस्तों, क्वेश्चन दे दिया है और बोल रहा है कि भैया इसकी में कौन सा नियम या रूल या मेथड फॉलो होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कौन सा रूल कौन सा मेथड फॉलो होगा। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 10, 15, 45, 270 and 3240 एंड नेक्स्ट इज व्हाट, ठीक। चलिए तो आप देखिए दोस्तों, जब हम इस 10 से 15 कैसे पा सकते हैं, ठीक है, और जब इस सीरीज को हम देखते हैं दोस्तों तो ये सीरीज काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, यानी कि 270 से सीधे बढ़ जा रही है 3240। तो जब मैंने कहा था कि सीरीज जब खरगोश की चाल से बढ़ती है तो वो कौन सी सीरीज होती है, मल्टीपल सीरीज होती है। कौन सी, मल्टीपल सीरीज होती है। तो आइए 10 में हम कितने का मल्टीपल करेंगे कि 15 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे 1.5 से मल्टीपल कर दें तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक। अब 15 में अगर 3 से हम मल्टीपल कर दें तो क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा दोस्तों। और अगर यहाँ पे हम 6 से मल्टीपल कर दें दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 45 छक्का 270, ठीक। और अब यहाँ पे अगर हम 12 से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा दोस्तों, अब देखिए 270 में जब हम 12 से गुणा करेंगे तो 12 0 12 0, ठीक। और 12 7 84 हासिल 8 और 12 2 24 और 8 32, यानी कि 3240 आ रहा है, ठीक, यानी कि 12 का गुणा किया गया है। अब यहाँ से स्पष्ट है कि क्या किया जा रहा है, डबल से बढ़ाते चले रहे हैं। यहाँ पे 1.5 का 3 किया गया, यहाँ पे 3 का 6 किया गया, यहाँ पे 6 का 12 किया गया। तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे हम कर देंगे गुणे 24, कितना कर देंगे, 24 से गुणा कर देंगे किसमें, 3240 में, 3240 में हम 224 से मल्टीपल कर देंगे तो 4 चौक 16, 1 4 2 8 1 9 और 4 3 12, इसी के साथ 0 2 चौक 8, 2 2 4 और 2 3 6 9 8 17, 1 7 7 6 0, यानी कि जो मल्टीपल आया दोस्तों, जो इसका गुणनफल आया वो कितना आया, आइए देखते हैं वो कितना आया, वो आया
777760, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 777760, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में क्या हो रहा है, दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि भैया ये ऐसे फॉलो हुआ है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको दे दिया है यहाँ पे, मैं कर दे रहा हूँ कि 8, 15, 29 यानी कि 29 एंड 50 एंड 78। अब नेक्स्ट इज व्हाट, देन ऑप्शन इज 110, 113, 116 and D 108, ठीक है। ये आपको दोस्तों क्या दे दिया है, एक क्वेश्चन दे दिया है कि भैया 8, 15, 29, 50, 78, तो नेक्स्ट इज व्हाट, ठीक। तो अब हम पता करेंगे कि क्या, कि नेक्स्ट इज व्हाट, ठीक है ना, कि अगली संख्या क्या है। चलिए यहां से हम पता कर लेते हैं। चलिए जो अगली संख्या क्या होगी, ये देखिए यहां पे मैंने लिख दिया क्वेश्चन को 8, 15, 29, 50 और 78, ठीक है। ये मैंने क्या लिख दिया, क्वेश्चन को लिख दिया दोस्तों, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक, और अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, क्या बेझिझक, ठीक है। चलिए तो अब देख लेते हैं। अब देखिए 8 से 15 ये जो सीरीज बढ़ रही है दोस्तों, वो किसकी रफ्तार से बढ़ रही है, कछुए की चाल से बढ़ रही है, और कछुआ धीरे धीरे चलता है, यानी कि ये कौन सी सीरीज हो गई, एडिशन सीरीज हो गई, ठीक है। अब ये देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जब हमने किया तो 7 बढ़ाया, यहाँ पे जब किया तो 14 प्लस किया, ठीक, और यहाँ पे जब किया तो प्लस 21 किया, और यहाँ पे प्लस 28 कर दिया। तो जब दोस्तों हम ये बढ़ा रहे थे तब आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे 7 है, 14 है, 21 है, 28 है, यानी कि 7 × 14 = 21, 7 × 28, यानी कि अब जो संख्या बढ़ेगी दोस्तों वो बढ़ेगी प्लस 35, 7 × 35, क्योंकि सब में 7-7 के अंतर बढ़ते हुए क्रम में हैं, ठीक। चलिए तो जब हम 35 जोड़ेंगे तो 8, 5, 13 हासिल, 1, 7, 3, 10, 1, 11, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया है दोस्तों, क्या दिया है, 113 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो वो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, स्टार्टिंग किया -17 + 10, फिर कितना 74, देन 199, देन 415 एंड देन इज व्हाट, देन ऑप्शन इज 754, सेकेंड यानी कि बी 650, सी इज 758 एंड डी इज व्हाट 668, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दे दिया है तीसरा नंबर, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको लिख लिया -17, 10, 74, 199 एंड 415, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया दोस्तों। अब जब देखिए यहाँ से हम बढ़ रहे हैं तो कितना बढ़ रहे हैं, 64 बढ़ रहे हैं, ठीक। अब यहाँ से जब बढ़ रहे हैं तो कितना बढ़ रहे हैं, 74 थे 199 हो गए, यानी कि कितना बढ़े 125। अब जब यहाँ से यहाँ बढ़ रहे हैं तो कितना, तो 415 में 199 जब घटाएंगे
तो एक 200 और 215 यानी कि कितना बढ़े, 216 बढ़े। अब पहले वाले को देखिए, ये है -17, कितना है -17 से जब +10 जाएंगे तो 10 तो इधर बढ़े लेकिन -17 उधर भी बढ़े, तो -17 में जब 10 तक जाएंगे तो कितना बढ़ेंगे, 27 बढ़ेंगे। अब दोस्तों जब आप इसको क्रम को देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या हो रहा है, ये है 2, 3 का घन, ये है 4 का क्यूब, ये है 5 का क्यूब, ये है 6 का क्यूब, ठीक। अब अगला जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, 7 का क्यूब। और आपको पता होना चाहिए कि भैया 7 का क्यूब कितना होता है, तो क्या होता है दोस्तों, 7 का क्यूब होता है 343, कितना होता है, अरे 7 × 7 49 63 6 7 × 28 6 34, कितना है 343। तो अब हम क्या करेंगे, 415 में 343 जोड़ देंगे, 5 × 3 = 8 = 4 = 5 और 758, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 758, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 758, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम आगे बढ़े फटाफट, आज हमें बहुत ही क्वेश्चन करने हैं दोस्तों। चलिए तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ा जाए, क्या क्वेश्चन आपके लिए मैं लाया हूँ वो अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि क्या है आपके लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने लाया है वो ये है कि आपको दे दिया 2, 1, 1 and 1.5 and 3 and next is what, ऑप्शन दे दिया आपको 8, बी दे दिया 9.5, सी दे दिया 7.5 and डी दे दिया 8.5, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया है दोस्तों, तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हमने क्वेश्चन को क्या कर लिया, यहाँ पे लिख लिया 2, 1, 1, 1.5 and 3, ठीक। अब देखिए दोस्तों ये श्रृंखला घट भी रही है और फिर बढ़ भी रही है, ठीक, घट भी रही है और फिर बढ़ भी रही है, यहाँ घटी और फिर यहाँ पे बढ़ भी रही है यहाँ से, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। अब देखिए दोस्तों 2 से 1 पे आने के लिए हमें क्या करना होगा, या 2 से 1 यानी कि 1/k कितना, 2 से 1 पे आने के लिए अगर हम 0.5 से मल्टीपल कर दें, कितने से 0.5 से मल्टीपल कर दें तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा, कैसे देखिए 0.5 है 2, 5 × 10, 1 अंक बाद दशमलव, तो ये क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक। तो कितना आ गया, 1 आ गया। चलिए अब नेक्स्ट है 1 से 1 कैसे आएगा, जब 1 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 0.5 हुआ फिर 1 हुआ, क्या आगे 1.5 होगा, आइए देखते हैं। तो जब यहाँ पे हमने देखा तो बिल्कुल ये 1.5 ही हुआ और यहाँ पे जब देखा तो ये 2 हो गया, तो यानी कि ये 0.51, 1.52 यानी कि ये बढ़ते हुए क्रम में क्या हो रहा है दोस्तों, मल्टीपल किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अब जो गुणा होगा वो होगा 2.5 से, तो हमने 3 में
2.5 से गुणा कर लिया, 5 तिहाई 15, ठीक, और 2 तिहाई 2.5 में 3 से गुणा कर लिया, 5 तिहाई 15, 1 3 2 6 7, यानी कि यहाँ पे जो आएगा दोस्तों वो क्या आ गया, 7.5। ऑप्शन नंबर सी में आपको दे दिया है क्या आंसर इसका, 7.5 दे दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या है भाई जल्दी, हाँ पांचवा क्वेश्चन आ चुका है भैया, एक है 12, 26 and 81, 328 and 1645, then next is what? तो ए ऑप्शन है 9876, बी ऑप्शन है 9981, सी ऑप्शन है 8281 and डी ऑप्शन इज 7321। चलिए अब इसको देख लेते हैं दोस्तों कि ये कैसे सॉल्व होने होगा, ठीक है ना, क्या होगा ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया 12, 26, 81, 328 and 1645, यानी कि भैया मल्टीपल तो हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ 328 है, यहाँ 1645, यानी कि जो सीरीज है दोस्तों वो बहुत तेजी से क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब क्या होता है, चलिए अब 12 से 26 हम कैसे पहुंच सकते हैं, अगर हमने इसमें 2 का गुणा किया, 2 जोड़ा तो 12 दूनी 24 और 2 26, और अगर इसमें हमने 3 का गुणा किया और 3 जोड़ा, ठीक, तो कितना 26 3 78 3 81। अब इसमें क्या किया दोस्तों, इसमें हमने किया गुणे 4 + 4 किया, तो जाहिर सी बात है कि इसमें गुणे 5 + 5 करेंगे एंड देन इंटू 6 + 6, तो अब 1645 में 6 का जब मल्टीपल करते हैं दोस्तों तो आता है 6 5 30 3 6 4 24 3 27 2 6 5 36 2 38 3 6 6 3 9, यानी कि कितना आ गया 9870, ठीक। यहाँ पे रुकना नहीं है, हमें 6 और ऐड भी करना है, तो इसका आंसर आ गया 9876। आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया है दोस्तों 9876 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो चलिए देख लीजिए और हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, क्योंकि आज हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और बातचीत कम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 इज 2 16 and 112 and 672 and 3 3 60 and next is what? Then question on option is 13440 and B 3340 and C 4320 and D is what is 4320, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों क्या किया है इस क्वेश्चन में, आप लोग क्या बता सकते हैं कि इसमें क्या किया गया है, चलिए हम ही बता देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, तो पहले उसके लिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। हमने जब क्वेश्चन लिखा तो क्वेश्चन लिखते ही हमें पता चला दोस्तों, क्या पता चला, पता ये चला कि जब 2 में हम 8 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। नेक्स्ट जब 16 में 7 का गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना मिलेगा, 112, यानी कि 112 मिलेगा। एंड जब यहाँ पे हमने 6 से गुणा किया तो कितना मिलेगा, 672 मिलेगा। और यहाँ जब 5 से गुणा करेंगे तो 3360 एंड नेक्स्ट इज 4 से हमें गुणा करना होगा, यानी कि 3360 में हम 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 0 4 6 24 हासिल 2, 4 3 12 2 14 हासिल 1, 4 3 12 1 13, यानी कि जो यहाँ पे आएगा
वो आएगा 13,440, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये आपके क्वेश्चन थे, ठीक है। चलिए तो आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, धीरे धीरे ही सही बढ़ जाते हैं। चलिए चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या है दिया है, 4, 9, 19 एंड व्हाट, देन 79 एंड 51, 9 एंड 319। ठीक, ए ऑप्शन ए इज 59, बी इज 39, सी इज 49 एंड डी इज 29। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन दे दिया है, आइए देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए पहले हमने यहाँ पे लिख लिया 4, 9, 19 ये, और फिर 79, 159 एंड देन 319। ठीक, अब देखिए कुछ तीन जो नंबर है आगे हैं, तीन नंबर पीछे हैं। चलिए क्या करते हैं, इसमें कैसे करेंगे, अगर हम 2 का गुणा 1 जोड़ दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर 9 में हम 2 का गुणा कर दें 1 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। और अगर यहाँ पे बात करें तो 9 × 2 = 18 आधी लगाए, 1 × 2 = 14, 1 = 15 और यहाँ पे भी क्या रूल हो रहा है, वही फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे भी वही फॉलो कर रहा है, यानी कि जो पूरी सीरीज है उसमें यही रूल क्या कर रहा है दोस्तों, फॉलो कर रहा है। तो हम यहाँ भी वही रूल करेंगे, (2+1) और जब 19 में 2 का गुणा किया तो मिला 38, 38 में जब 1 जोड़ा तो आ गया 39, और 39 ऑप्शन आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो कि क्या है, करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है ना। तो एक सेशन और रहेगा नंबर सीरीज का दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको सेशन हमारा, हमें ज़रूर बताएं, और आपको समझ में तो आ रहा है ना। और अगर किसी भी चीज़ की, मतलब कि कोई भी चीज़ से आप संतुष्ट नहीं है, तो आप किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप बोल सकते हैं कि भैया हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, तो आपकी वहाँ को पूरी तरह से संतुष्ट किया जाएगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे आपसे, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और ज़ोरदार पढ़ाई होती रहनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई होगी तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है दोस्तों। तो तब तक फिर मिलेंगे आपसे, ठीक है, कहीं जाने का नहीं है आपको, सिर्फ यहीं रहने का है, क्योंकि यहीं पे आपको हर चीज़ मिलेगा। थैंक यू सो मच।